कुकिंग जंक्शन पे आपका वेलकम। आज मैं आपके साथ खुरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं खुरमा। तो यहाँ पे एक बर्तन में 2 कटोरी चीनी डाल देंगे और 1/2 गिलास पानी डालेंगे और 2 हरी इलायची डाल देंगे। आप चाहे तो हरी इलायची पाउडर 1/2 चम्मच डाल सकते हैं चाय वाले चम्मच से। और इसे चूल्हा पे चढ़ा देंगे और चीनी को इतना ही पकाना है कि चीनी बस घुल जाना चाहिए, बस हमें चाशनी नहीं तैयार करनी है। और यहाँ पे 4 कटोरी मैदा ले लेंगे, यानी कि 1 केजी से मैदा में 250 ग्राम चीनी जाएगा। और बारीक कटा हुआ नारियल डाल देंगे। देसी घी है उसे बड़े चम्मच 1 चम्मच ले लिया, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 4 चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइन तेल लिया, छोटे चम्मच से 4 चम्मच ले लिया। आप चाहें तो बादाम, काजू और नारियल को ग्राइंडर में डालकर दरदरा भी पीस सकते हैं और थोड़ी किशमिश भी डाल सकते हैं, तो इससे टेस्ट आपका बढ़ जाएगा। ऐसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल मसल करके हमें मिक्स करना है कि घी अच्छे से आटा में मिक्स हो जाना चाहिए। अब हमने चीनी पकाकर जो रखा था, ये गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा नीम गरम होना चाहिए, नहीं गुनगुना सा ऐसा होना चाहिए कि हाथ में बर्दाश्त कर ले, इतना ही रहने। ऐसे डालकर गूंध लेना है। तो हमने गूंधा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आटा की तरह नहीं गूंधाया है, तो थोड़ा थोड़ा दूध का छींटा डालकर इसे गूंध लेंगे। जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी दूध डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 गिलास दूध किया है इसमें और डालकर इसे गूंध लेंगे आटा की तरह। थोड़ा सख्त गूंधना है, ज़्यादा नरम नहीं। और इसे हम अब खुरमा के लिए बेल लेंगे। तो ये हम 3 पेड़ा बनाएंगे बड़ा बड़ा सा, और 3 पेड़ा बनाकर इसके रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से चिकना कर लीजिएगा ताकि रोटी फटेगी नहीं आपकी और अच्छी चिकनी बराबर से रोटी जैसी बेल जाएगी। तो इस तरह से हम रोटी की तरह मोटा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, खुरमा थोड़ा मोटा ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा मोटा सा रोटी बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। तो थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। इस तरह से हमें काट लेना है और काटने के बाद इसे हम खुरमे की शक्ल में काट लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक पीस को उठाएंगे और इसे खड़ा कर देंगे। और खड़ा करने के बाद इस तरह से काटेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा खुरमा जो है वो अच्छे से सिकाएगा और अंदर तक ही क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसे बेकिंग पाउडर डला हुआ है तो हल्का तो होगा ही, साथ में क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सारे को खड़ा कर करके, थोड़ी मेहनत होती है लेकिन टेस्ट इसका अच्छा होता है, इसलिए हम इस तरह से काट लेंगे। अब यहाँ पर हमने काट लिया है, एक बर्तन में डाल देंगे और तेल जो है वो चूल्हे पे डाल दिया चढ़ा गरम होने के लिए। तो यहाँ पे तेल हमारा गरम हो गया हुआ था। अब इसमें हम क्या करेंगे, खुरमा जो काट कर रखा है उसे डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें तेज नहीं रखना है चूल्हे का आँच, मीडियम रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा, अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है और सिक जाता है। नहीं तो ऐसे तेज़ कर देंगे तो ऊपर ऊपर सिक जाएगा लेकिन अंदर में कच्चा रह जाएगा। और ये कलर हल्का आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी इसमें कलर आता है, तो ये देखिए निकालने के बाद भी कलर आ रहा है। तो अब इसी तरह का हमें चाहिए। तो यहाँ पर मज़ेदार खुरमा बनकर तैयार है। इसे आप चाय के साथ खाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है।